तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और मैं पहुंच चुकी हूँ अभी अभी नहीं, मैं परसों पहुंच चुकी थी। और उसके दूसरे उस दिन तो खैर मैं ज़्यादातर सोई रही थी, उसके दूसरे दिन मेरी दांत दर्द से हालत ख़राब हो रखी थी, तो दांत को दिखा के लाई। तो अभी मैं हूँ, ये देख सकते हो रूम। अगर जो मेरी वीडियो कंटिन्यू देख रहे, पहले जिन्होंने देखी थी 2 महीने पहले मैं यहाँ आई थी, उन लोगों को पता होगा कि अभी मैं कहाँ हूँ। तो सबसे पहले तो आपको मैं यहाँ का व्यू वगैरह दिखा देती हूँ। अभी हो रखा है 2:00 PM है और पहाड़ों के मुकाबले यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। और मैं अभी का व्यू दिखा देती हूँ, यहाँ को बहुत कुछ चेंज हो गया है उस टाइम से। बाहर तो धूप लग रही है जी, सामने में एक बिल्डिंग बन चुकी है, देख सकते हो। उस टाइम यहाँ पर बिल्डिंग नहीं बनी थी, ये बिल्डिंग पूरी बन चुकी है यहाँ पर। तो लास्ट टाइम मैंने दिखाया था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तूफान आ रखा था और इधर साइड को भी बन ही गए। तो अभी का व्यू इधर साइड से दिखा देती हूँ और इधर साइड से। तो दोस्तों मैंने पकड़ लिया है अभी ये, इसको क्या कहते हैं, वैसे तो कद्दूकस बोलते हैं लेकिन हमरी अपनोन भचकोर एल कोनन काकड़ी के, ककड़ी यानी कि ककड़ी का हम बनाएंगे रायता। और कल हमने खिचड़ी भात बना रखा था, पहाड़ से खिचड़ी लाई थी, बहुत मज़ा आया था खाने में। क्योंकि सभी जहाँ मामू लोग जो दूसरे मामू हैं सभी लोगों ने हमने यहीं साथ में मिल के खाना खाया। तो कल मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, कल नहीं परसों भी नहीं बना पाई। और ये है ककड़ी, इसका बनाएंगे हम अभी रायता। तो इसको कोर लेते हैं, उसके बाद फिर रायता बनाने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। तो और मैं अभी खा रही हूँ चॉकलेट एक वो रील था ना, गर्मी में कुछ नहीं, फ्रिज खोल के देखो कुछ भी खाने को, मेरे को चॉकलेट मिली, मैं चॉकलेट खा रही हूँ अभी। चॉकलेट खाटे खाटे मैं बना रही हूँ ककड़ी को सबसे पहले। तो गाइज चॉकलेट में ज़्यादा ही चॉकलेट खरीदी, ज़्यादा ही मीठी होगी तो पानी पी रही हूँ, चॉकलेट में ज़्यादा ही चीनी डाली है लगता है। अब मेरी रायता बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अभी ये बच चुका है मेरा लास्ट वाला सारा, मैंने इसको कोर लिया है। और इसमें बचे हैं ये बीज बीज के, इनको खाने में बड़ा ही मजा आता है क्योंकि बीज बीज का नरम होता है। इनका हम हरे नमक के साथ खाएंगे, कल मामा ने बहुत टेस्ट नमक बन रखा है।
अभी हो चुका है मेरा रायता, और ये है, और मैं अभी इसे को रख देती हूँ, बाद में मामी जी बनाएंगे रायता। अभी इसको ऐसे संभाल से। तो दोस्तों अभी आज हम काट रहे हैं मीठे करेले की सब्जी। ये है गांव के करेले, मीठे करेले जिसे राम करेले बोलते हैं। मामी यहाँ क्या बोलते हैं? यहाँ पर मीठे करेले और कोई कोई किंगोड़े कहते हैं। किंगोड़े। तो आज मामी जी का व्रत है सोमवार का, और हम बिना प्याज वाली सब्जी, मीठे करेले की सब्जी बना रहे हैं। ये देख सकते हो, एक में मामी काट रही है और दूसरे में कटे नहीं है, वो भी कटी वो भी कट रहे हैं धीरे धीरे। सबकी बारी आ रही है। इसके बाद मामी जी बना रही है रायता, वो भी दिखाएंगे। मामी भाग चुकी है। तो आज सिखाएंगी मामी जी मीठे करेले की सब्जी बना। तो दोस्तों अभी मैं खा रही हूँ ककड़ी, जो हमने रायते के लिए रायता बना रहे थे जिसकी, उसके हम काट काट के बीच का मैं खा रही हूँ, और मामी बना रही है सब्जी। तो मामी की रेसिपी दिखाते हैं। मामी की रसोई में स्वागत है आप लोगों का। मामी की रसोई में स्वागत है आप लोगों का। तो अब हम बनाते हैं, मैम नहीं, मामी बना रही है, मैं वीडियो बनाऊंगी। तो अब बना रहे हैं यहाँ पर करेले की सब्जी, बिल्कुल सिंपल तरीके से। इसमें डाल दिया तेल, तेल अभी हम ऑयल को हीट होने देंगे। अब ये थोड़ा गर्म हो गया है, जीरा डाल दिए। और ये है हमारे रायते के लिए ककड़ी। और अब डाल दिया मामी जी टमाटर। अब डाल दिया स्वादानुसार नमक। स्वादानुसार नहीं हो तो रेसिपी बिगड़ गई। तभी दिखाते हैं हम टमाटर हमारे, अच्छे दिख रहे। और उधर वाले गैस के चूल्हे में रखा है दूध, इसमें दूध गर्म हो रहा है, इसमें सब्जी बन रही है। यहाँ पर हमारा ककड़ी रखी हुई है, रायता बनने वाला है, और ऊपर पंखा चल रहा है। तो गई जा बार बार मटना बार बार नमक मत डालना, बार बार नमक मत डालना, तभी बोल रहे हैं स्वाद अनुसार। मामी ने दो तीन बार डाल दिया। आप डालने लगी है करेले। हमारी बहुत ही सिंपल, बहुत ही टेस्टी करेले की रेसिपी, जिसमें हमने कोई भी मसाला यूज नहीं किया है, क्योंकि वैसे ही ऑर्गेनिक पहाड़ी करेला है, तो ऑलरेडी इसका टेस्ट अच्छा ही होगा। मामी के हाथ का खाना सब अच्छा ही होता है वैसे भी। तारीफ सुननी है तो मामू को बुला दूंगी। मामू तारीफ करेंगे। मामू बोल देते हैं। तो अब ये थोड़ी देर में पक जाएगा, फिर आपको दिखाएंगे। और तब तक हम बनाते हैं चाय और दूध बच्चों के लिए, दूध और ये रायते के लिए मसाले बनाने हैं आगे। उसके बाद आपको दिखाते हैं कैसे हम रायता बना। तो गाइस देख सकते हो हमारी सब्जी बन के रेडी हो चुकी है। तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रखी है, बिना मतलब सिंपल तरीके से बना रखी है ये सब्जी। तो ये देख सकते हो हमारी सब्जी कुछ इस तरीके से बन चुकी है, बन के रेडी हो चुकी है। और हम कर देते हैं गैस को अब बंद ऑफ। मीठे करेले के मुंह देख के मुंह में पानी आ रहा है, जरूर बताइए, कमेंट करके। तो
दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपने पार्क पे। ये देखो लायरा। हाय गाइस। ये है गुन्नू यासी। अभी हम यहाँ पर खेल रहे हैं और इसको घूमना है, गोल गोल घुमाना है। तो अब घुमाते हैं हम इसको गोल 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 गोल। दीदी को आ गया चक्कर, मैं कमजोर हो गई हूँ। तो दोस्तों अभी हम पीस रहे, ये सिलबट्टा है, सिलबट्टे में हम पीसेंगे राई मसाले वगैरह। पहले हम सिलबट्टे में राई मसाले रायते के लिए, एक बार आपको दिखाता है सिलबट्टा। यहाँ भी मामी लोगों ने सिलबट्टा रख रखा है। तो मसाले में क्या क्या मिक्स किया है मामी? मसाले में हमने मिक्स किया है राई, जो राई के दाने होते हैं, और जीरा, हरी मिर्च। ये देखो मसाला भी बड़ा टेस्टी बना है। मैं गार्निशिंग के लिए धनिया पत्ती डाल सकती हूँ, मगर है नहीं धनिया पत्ती। मामू बोल रहे थे लाऊंगा लेकिन लाए नहीं। थोड़ी देर बाद इसकी शक्ल देखने दोबारा आएंगे, तब तक हम कर लेते हैं आरती।